एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐसो आराम छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवान का भजन कीर्तन करना जो मोक्ष का साधन है, उसे उसके लिए भी समय नहीं मिल पाता था। एक दिन सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम किया और देव के हाथों में एक बड़ी सी किताब को देखकर उनसे पूछा कि महाराज आपके हाथों में क्या है। तब देव ने राजा को बताया कि राजन, यह ईश्वर का भजन ध्यान करने वालों की किताब है। जो ईश्वर का भजन ध्यान करते हैं उनके नाम इस किताब में हैं। तो राजा ने निराशा भाव से कहा, कृपया कर देख कर बताएं इसमें कहीं मेरा भी नाम है क्या। तब देव ने किताब का एक एक पन्ना पलट कर देखा, उसमें राजा का कहीं भी नाम नहीं था। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा कि महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं रही। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम इस किताब में नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि तो हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वह परोपकार की भावना, दूसरों की सेवा, अपना कर्म निरंतर करता रहा। वह दूसरों की सेवा में परोपकार के कार्य में राजा इसी प्रकार लगा रहा। कुछ दिन बाद राजा पुनः सुबह के समय टहलने वन की ओर गए और उन्होंने वन में उसी देव के दर्शन किए। इस बार देव के हाथ में एक नई किताब थी, उस किताब के पन्ने भी अलग थे। उस किताब को देखकर राजा ने देव को प्रणाम किया और उनसे उस किताब के विषय में पूछा कि आज आपके हाथ में कौन सी किताब है। तब देव ने कहा कि इस किताब में उन व्यक्तियों के नाम हैं जो भगवान को अति प्रिय होते हैं। अब राजा को यह तो पता था कि मेरा नाम हो नहीं सकता क्योंकि मैं भक्ति करता नहीं। तो राजा ने पूछा कि देव आप देखकर बता सकते हैं कि क्या कोई मेरे राज्य का व्यक्ति भी इस किताब में उसका नाम लिखा हुआ है। कोई मेरे राज्य का ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम इस किताब में लिखा हुआ हो। तो देव ने वह किताब जैसे ही खोली, खोलते ही पहले नंबर पर राजा का नाम लिखा हुआ था। तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है, मैं तो कभी मंदिर गया ही नहीं, मैं तो कभी भी मंदिर जाता नहीं, कभी पूजा पाठ करता ही नहीं, तो इस बही खाते में मेरा नाम कैसे लिखा हुआ है। तब देव ने कहा कि राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतों की सेवा सहायता करते हैं, उनका योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन तू ये मत सोच कि मैंने पूजा पाठ नहीं किया, मैंने जप तप नहीं किया, लेकिन उससे भी बड़ा कार्य
तू असहाय की सहायता करता है, निर्बलों की सहायता करता है, परोपकार का कार्य करता है। हे राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ विधवा किसान निर्धन और अत्याचारी से सताए जाते हैं उनकी यथाशक्ति सहायता सेवा करो, और यही परम भक्ति है। ईश्वर इससे भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपका नाम इस किताब में पहले पेज पर सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर पर है।